नमस्कार दर्शकों, मैं मनीषा कुंडू और आप सब देख रहे हैं सिटी न्यूज सफेदों और समाचार क्रांति 24। स्वागत करती हूं आप सबका। मैं भी मौजूद हूं सफेदों में खानसर चौक पर कार सेवा बाबा अमरीक सिंह गुरुद्वारा में। और आज यहां पर हरियाणा के सिख सभा के गुरुद्वारा कमेटी के पूर्व प्रधान जगदीश सिंह झिंडा अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे हैं। उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या जानकारी देने के लिए वो आज गुरुद्वारा खानसर चौक पर पहुंचे हैं। तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं पूर्व प्रधान HSGCP के पूर्व प्रधान जगदीश सिंह झिंडा। तो बात करते हैं उन्हीं से और जानते हैं कि क्या जानकारी देने के लिए आज वो सफेदों में पहुंचे हैं। और धर्मगढ़ बोली से जो पूर्व में सरपंच है वो भी यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। लाइव तस्वीरों में आप देख रहे हैं सिटी न्यूज सफेदों और समाचार क्रांति 24। सत श्रीकाल। सर अपना परिचय दीजिए प्लीज। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं जगदीश सिंह झिंडा, पूर्व प्रधान हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी। आज सफेदों में पहुंचे हैं कार सेवा बाबा अमरीक सिंह गुरुद्वारा में, क्या जानकारी देने के लिए आज आप यहां पर पहुंचे हैं? ऐसा जी, मैंने अपने सभी इलाके के जो मेरे हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाने में सहयोगी रहे जी, उनके साथ विचार विमर्श करने के लिए मैंने आज मीटिंग बुलाई थी जी। और मीटिंग के बाद मैं प्रेस को जो हमारे फैसले हैं उनके बारे में अवगत कराना चाहूँगा जी। क्या फैसले लिए गए? हाँ जी, मीटिंग में एक नंबर ये फैसला लिया गया कि हरियाणा सरकार 6 महीने के अंदर अंदर हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव करवाए जी। नंबर दो, वोटें बनवाने के लिए प्रिंटिंग प्रेस को ठेका देकर 1 जनवरी तक फार्म उपलब्ध करवाए सरकार जी। नंबर 3, 1 जनवरी से वोटों का काम हरियाणा में शुरू करे। नंबर 5, कि वो 4 महीने के अंदर अंदर अप्रैल तक वोटें बनाकर 1 मई से हलकाबंदी का काम शुरू करे जी। 6 महीने के अंदर अंदर ये कानूनी प्रतिक्रिया पूरी करके तो 6 महीने बाद हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी का चुनाव सारे हरियाणा में करवाया जाए जी। तो इसके लिए जो सरकार ने रिटायर जज जस्टिस HS भल्ला को नियुक्त किया है जी। हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर जज को, उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। और उनके साथ 3 ये कमेटी अधूरी है, इसलिए 3 चेयरमैन के साथ और एडवोकेट इलेक्शन कमीशन में जोड़े जाएं। नंबर 6, कि हलकाबंदी करने के लिए सरकार एक कमेटी गठित करे ताकि हलकाबंदी करने के लिए उसको उस कमेटी का सहयोग मिल सके। ये 7 प्रस्ताव आज हमने वर्करों के साथ बैठकर पास किए हैं जी। और उसके साथ मैं कांग्रेस पार्टी के उन विधायकों का भी स्वागत करूंगा, धन्यवाद करता हूं, जैसे शमशेर सिंह गोगी ने 26 तारीख को विधानसभा में इस बात को उठाया कि हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी का चुनाव जल्दी होना चाहिए जी। और जिस प्रकार सरकार ने इंटरफेयर किया है, ये सरकारी कमेटी बन के रह गई है, ये संगठन की कमेटी होनी चाहिए थी और जिन लोगों ने संघर्ष किया था उनको लेना चाहिए था। 28 तारीख को इस पर बहस हुई, माननीय स्पीकर साहब ने इस पर बहस करवाई जी। तो 4 MLA उनके सहयोग में खड़े हुए और उन सभी की यही डिमांड थी, चाहे वो बीबी बत्रा हों, चाहे गीता बुक्कड़ हों, चाहे और हों 1-2 MLA, हुड्डा साहब ने भी सवाल को उठाया। तो उस पर 1.25 घंटे तक इस पर विधानसभा में बहस हुई, तो सभी ने यही एकमत होकर कहा कि चुनाव जल्दी कराए जाएं और ये सरकारी कमेटी है, इसको भंग किया जाए जी। मैंने तो आज तक, क्योंकि 20 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद हरियाणा के सिखों में खुशी की लहर दौड़ गई कि हमारी अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को कानूनी तौर पर मान्यता मिल गई है, मगर वो खुशी ज़्यादा दिन टिक ना पाई।
तो 1 दिसंबर को हरियाणा की सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी खट्टर साहब ने अनाउंसमेंट की जी। और जो कमेटी में नाम दिए गए वो सारे आरएसएस और बीजेपी की विचारों से जुड़ते थे। सरकार ने बहुत बड़ी गलती की कि संगत के विचार विमर्श के बिना एक ऐसी कमेटी गठित कर दी जो संगत को नामंजूर है जी। तो मैंने खट्टर साहब से 31 मार्च तक का उनको सरकार को अल्टीमेटम दिया हुआ है जी। या तो दोबारा इस कमेटी पर संगत के साथ बैठकर विचार करे खट्टर साहब और इस कमेटी को जो भंग करे या इसमें जो सुधार करना है उस तरीके से संगत से बैठकर विचार विमर्श करे। यदि 31 तारीख तक सरकार टेबल पर संगत के साथ नहीं बैठेगी तो दूसरी बात मैं यह कहता हूँ कि मैंडेट करवा के दिखे ले सरकार। हरियाणा में 15 लाख सिख है, भाई वो इस कमेटी को चाहते हैं कि नहीं चाहते? यदि 15 लाख सिख इस कमेटी को, नई कमेटी 30 मेंबरी को मानेंगे तो हमें कोई उतराज ही नहीं है, हम तो संगत के साथ है जी। अगर तो, नहीं भंग किया जाता है तो आगे की क्या कार्रवाई रहेगी, तो फिर आप क्या फैसला लेने वाले? हाँ जी, 1 तारीख को मैं काल तख्त साहब के जहेदार के पास जाऊंगा और मैंने कल 31 तारीख को कुरुक्षेत्र में बुद्धिजीवियों की मीटिंग बुलाई है जी। सारे जिलों में जाकर, ब्लॉकों में जाकर, मैं आज ये मेरा 11वां जिला है जींद, सभी जिलों के और सभी ब्लॉकों में मैं राय ले रहा हूँ, संगत की राय और बुद्धिजीवियों की राय। 1 तारीख को अकाल तख्त हरिमंदर साहब अमृतसर जाके मैं सारी रिपोर्ट अकाल तख्त के सामने पेश करूँगा और जो वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे वो 1 तारीख को संगत को सुना दिया जाएगा जी। जो आप मीटिंग बुलाने वाले हैं क्या उसमें किसानों को भी सम्मिलित किया जाएगा? नहीं, ऐसा है, ये किसानों का मसला नहीं है, ये हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का होता है कि गुरुद्वारों को प्रबंध करे, तो उसमें किसान भी होते हैं, उसमें SC भी आएंगे, BC भी आएंगे, जो सिख है, अमृतधारी सिख है वो मेंबर पढ़ सकता है, वोट सारे सिख डाल सकते हैं, वो चाहे 36 कम्युनिटी के किसी के भी हों। और कई लोगों को ये भ्रम है, ये विधानसभा में बात उठी कि ये केवल सिखों की आप बात करते हो, और मैं भी इस बात से सहमत हूँ, ये हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है हरियाणा के सिखों की प्रबंध करने की कमेटी गुरुद्वारों की, क्योंकि गुरुद्वारों का प्रबंध केवल हरियाणा के सिख ही कर सकते हैं जी, जी। मगर जो हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के संगत की गोलकों का जो चढ़ावा आएगा, जो अदारे उससे खोले जाएंगे, जैसे हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, स्कूल, शिक्षा के अदारे खोले जाएंगे, नौजवानों के लिए खर्च किया जाएगा, धर्म के खर्च किया जाएगा, जो अदारे बड़े हैं वो 36 बरादरियों के लिए होंगे जी। ये कोई सिखों के लिए नहीं, वहाँ सिख बच्चे पढ़ सकते हैं या सिख बच्चे हॉस्पिटल में इलाज कर सकते हैं, गुरुद्वारे में भी कोई जा सकता है और गुरुद्वारों के बने उस अदारे में भी कोई भी एडमिशन 36 बरादरी का ले सकता है, ये सभी के लिए साझा है। आप DAV कॉलेज देख लो, उसमें हर बरादरी के लोग एडमिशन लेते हैं, कभी SD स्कूल है सनातन धर्म के वहाँ लेते हैं, तो ये संस्था जो चलाते हैं उनमें कोई तेर मेर नहीं किसी बरादरी की होती कि स्पेशल ये गुरुद्वारे। हमारे दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बहुत बड़े हॉस्पिटल हैं, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बहुत बड़े हॉस्पिटल हैं, बहुत बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं, उसमें भी हर कम्युनिटी के बच्चे पढ़ते हैं। इसलिए हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रबंध तो सिख करेंगे गुरुद्वारों का, मगर जो अदारे बनेंगे उनका लाभ सारे हरियाणा का नहीं, सारी दुनिया का सिख ले सकते जी। तो हरियाणा के वासियों को क्या संदेश देने चाहिए? हाँ जी, हरियाणा वासियों को आप क्या संदेश देना चाहिए? मैं हरियाणा वासियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि हरियाणा के सिखों की लड़ाई 22 साल चली, हरियाणा के सिखों की और हरियाणा की आन मान शान और आत्म सम्मान के लिए हमने लड़ाई लड़ी, तो 22 साल बाद जिस प्रकार सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को मान्यता दी है, उनके सभी हम सभी बराबर हैं, 4 वर्णों को साझा, हमारा तो उपदेश है गुरु का, हरिमंदर साहब पे भी 4 दरवाजे हैं, ये सारे हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हरियाणा के लोगों की है, हरियाणा की भलाई करेगी, आप सभी इसमें शामिल होके जितना भी कोई हिस्सा जैसे भी डाल सकता वो डाले जी। धन्यवाद। तो हम अभी मौजूद थे खानसर चौक पर कार सेवा अमरीक सिंह गुरुद्वारा में, और आज यहाँ पर
HSGCP के जो प्रधान हैं, पूर्व प्रधान रहे हैं जगदीश सिंह झिंडा, वो पहुंचे और अपनी पूरी कमेटी को बुलाकर एक मीटिंग हुई। इसमें एक फैसला लिया गया कि जो सरकार ने सिख गुरुद्वारा कमेटी का गठन किया है उसको या तो भंग किया जाए या फिर एक नया कार्यकारिणी का गठन किया जाए, और वही आज फैसले यहाँ पर इस कमेटी में लिए गए हैं। इसके बाद जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर एक मीटिंग होगी, उसमें जो भी फैसला लिया जाएगा उसका ये पालन करेंगे। जो भी गुरुद्वारा कमेटी फैसला लेगी वो इनको माननीय होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, देखते रहें सिटी न्यूज़ सफ़ेद और समाचार क्रांति 24। एक बात और कहना चाह रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जगदीश सिंह झिंडा जी। हाँ जी, मैंने फिर दोबारा स्पष्ट करता हूँ, यदि 31 तारीख तक सरकार पुरानी कमेटी के बारे में विचार नहीं करती तो 31 तारीख तक हम सरकार को अल्टीमेटम दिया है। 1 तारीख को संगत अकाल तख्त पर पेश होगी और संगत सारी अपनी भावना अकाल तख्त के जहेदार के पास रखेगी। जो जहेदार फैसला लेंगे वो हमें मान्य होगा। और मैं एक बार CM साहब से और कहना चाहूँगा कि मोदी ने भी बिना किसानों की राय लिए 3 कानून बनाए थे। आखिर में मोदी साहब को, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब को किसानों से माफ़ी मांगनी पड़ी और कानून वापस लेने पड़े। पर CM साहब, आपके साथ भी कभी ये ना हो जाए कि आपने भी संगत के बगैर जो कमेटी बना ली है, कभी संगत से माफ़ी मांगनी पड़े और इस कमेटी को भंग करना पड़े। एक बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया गया है जगदीश सिंह झिंडा के द्वारा कि जो हमारी बिना राय लिए एक कमेटी बना दी गई है, गुरुद्वारा कमेटी, या तो उसको भंग किया जाए, नई कार्यकारिणी का गठन किया जाए। 31 मार्च तक का अल्टीमेटम दे दिया गया है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो जैसा किसान आंदोलन के समय हुआ था वैसा ही रूप दोबारा से लिया जा सकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, देखते रहें सिटी न्यूज़ सफ़ेद और समाचार क्रांति 24। जल्द मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फोटो ले, अरे चाय पी लो।